Ready? Tiger always ready. वेलकम टू फिल्मी बाजार। गाइस आज हम आपको सलमान खान की अपकमिंग मूवीज के बारे में बताने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, कभी ईद कभी दिवाली। ये फिल्म हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर बेस्ड है, जो साजिद नादियादवाला और फराद रामजी द्वारा लिखित एक कॉमेडी शैली है। सलमान खान की बहनोई आयुष शर्मा फिल्म के अंदर एक छोटी सी भूमिका निभाएंगे, जबकि पूजा हेगड़े और कृति सनोन कभी ईद कभी दिवाली फिल्म की लीड एक्ट्रेसेस हैं। नंबर टू, किक टू। किक टू पॉपुलर एक्शन कॉमेडी फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है, जिसमें सलमान खान शैतान के रूप में मुख्य भूमिका में है। 2018 में फिल्म मेकर साजिद नादियादवाला ने बागी 2 के ट्रेलर के लॉन्च के दौरान इस फिल्म की घोषणा की। संकेत दिया कि दिशा पाटनी इस ड्रामा थ्रिलर और कॉमेडी शैली में सलमान खान की भूमिका निभा सकते हैं। नंबर थ्री, बजरंगी भाईजान 2। सलमान भाईजान की सबसे फेमस फिल्म बजरंगी भाईजान का सीक्वल पाने के लिए ये मुंबई में RRR प्री रिलीज इवेंट के दौरान कुछ सुपरस्टार द्वारा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, जहां वो SS राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद के साथ सीक्वल के बारे में बात करते हैं। नंबर फोर, टाइगर 3। सलमान खान और इमरान हाशमी एक स्पाई थ्रिलर एक्शन फिल्म टाइगर 3 के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जहां सलमान की बागिनी या यूं कहें कि एकता टाइगर और टाइगर जिंदा है की अभिनेत्री कैटरीना कैफ फिर से एक्शन में नजर आएंगी। यशराज फिल्म्स के इस बड़े प्रोजेक्ट को मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। इमरान हाशमी ने फिल्म में सलमान से मैच करने के लिए अपने बॉडी शेप को बदला था। नंबर फाइव, पुली मुरुगन हिंदी रिमेक। सलमान खान की आने वाली फिल्मों में और कई स्रोतों के अनुसार सलमान पुली मुरुगन हिंदी रिमेक करना चाहते हैं। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म मलयालम सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और सबसे सफल फिल्म है।